मौजूद रहेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर यह कि कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें, आपको 12 बजे नॉमिनेशन करेंगे फाइल, पूरा परिवार वहां पर मौजूद रहेगा। तो ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और इस बीच कन्नौज सीट को लेकर लगातार अखिलेश यादव पर दबाव बढ़ता जा रहा था। और अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि कन्नौज सीट से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। आपको बता दें, अखिलेश यादव चुनाव लड़ने वाले कन्नौज सीट से वो लड़ेंगे चुनाव। कार्यकर्ता लगातार ये दबाव बना रहे थे ये कहते हुए कि अखिलेश यादव को यहां से चुनाव लड़ना चाहिए। और बड़ी जानकारी है कि आज दोपहर 12 बजे अखिलेश यादव नॉमिनेशन फाइल करेंगे। और जिस वक्त वो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचेंगे, तो वहां पर आपको बता दें उनका जो पूरा परिवार है वो वहां मौजूद रहेगा। तो मुलायम परिवार की गढ़ माना जाता है कन्नौज, और इस सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, क्योंकि वहां के जो कार्यकर्ता हैं, इस इलाके के जो कार्यकर्ता हैं, वो उनकी तरफ से दबाव लगातार बना रहे थे, जिसके बाद ये बड़ा फैसला। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अब कन्नौज सीट से चुनावी ताल ठोकने जा रहे हैं। बीजेपी के पहले दिन का पहला शो ही फ्लॉप हो गया। न इनकी कहानी किसी को पसंद आ रही है, न इनके घिसे पिटे डायलॉग पसंद आ रहे हैं किसी को। हवा किसकी चल रही है ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इतना जरूर पता चल गया है कि कन्नौज से बीजेपी के सुब्रत पाठक को टक्कर देने के लिए अब साइकिल पर सवार होकर खुद अखिलेश यादव उतर आए हैं। अखिलेश यादव आज दोपहर कन्नौज सीट से अपना नामांकन करेंगे। अब अखिलेश के सियासी अखाड़े में ताल ठोंकने की खबर सामने आई तो सवाल उठना लाजमी था, आखिर भैया ऐसा क्या हो गया था कि तेज प्रताप यादव को टिकट देने के बाद अब कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव लड़ने को तैयार हैं। अखिलेश ने एक ट्वीट कर चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया। मोहब्बत की महक फैलानी है, हमको लिखनी नई कहानी है। अखिलेश के कन्नौज से चुनाव लड़ने को लेकर सियासी पंडित बड़ी गणित बता रहे हैं, जिसके मुताबिक चुनाव मैदान में कार्यकर्ताओं में जोश भरना, कन्नौज के जरिए इटावा, फरुखाबाद, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा और बदायूं तक पार्टी को बल मिलेगा। अखिलेश के उतरने से समाजवादी मतदाताओं की संख्या बढ़ेगी। मुलायम सिंह को पसंद करने वाले अखिलेश को वोट करेंगे। माना जा रहा है कि कन्नौज से उतरकर अखिलेश मुलायम के सियासी दांव से जीत की जुगत लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें MY समीकरण के साथ अगड़े वोट को भी साधने की कोशिश होगी। कन्नौज हो या फिर पड़ोस के लोकसभा इटावा और फरुखाबाद में मुस्लिम यादव के साथ ब्राह्मणों की भी एक बड़ी संख्या है, और मुलायम सिंह के जमाने से ये जातियां समाजवादी पार्टी के वोट बैंक का हिस्सा रही हैं। अब अखिलेश का मैदान में आना केवल नेतृत्व करने के तौर पर नहीं, बल्कि PDA के नारे को जमीन पर उतारने के तौर पर देखा जा रहा है। कन्नौज में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बदलकर अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने पर BJP ने करारा तंज कसा है और कहा है कि हार की हताशा में समाजवादी पार्टी बार बार अपना प्रत्याशी बदल रही है। समाजवादी पार्टी तय नहीं कर पा रही है कि वो कितनी बार टिकट बदले, बार बार परिवार से दावेदार बना रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता मन महसूस के रह जा रहा है। वो केवल दरी बिछाने का काम करेगा, केवल नारे लगाने का काम करेगा, केवल झंडा ढोने का काम करेगा, टिकट के दावेदार बार बार एक ही परिवार से। अखिलेश के चुनाव लड़ने के बाद BJP अखिलेश पर वार करने का कोई भी मौका नहीं चूक रही। मैनपुरी से BJP उम्मीदवार जयवीर सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी का नारा PDA है, यानी सेफई का परिवार विकास प्राधिकरण है। असली PDA यही तो है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ सेफई, यही तो है PDA। तो PDA है, PDA दिखाई पड़ रहा है। अखिलेश को उम्मीद है कि कम वोटिंग का मतलब UP में BJP की जमीन खिसकती हुई दिख रही है। जवाब में कन्नौज से BJP के उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने कहा कि कन्नौज को इतिहास रचने की आदत है और डिंपल के बाद अखिलेश भी चुनाव हारेंगे। अब अखिलेश जी आए हैं तो, लेकिन आप देखिए कन्नौज में तो सदैव इतिहास रचने की आदत है। 4 जून को एक नया इतिहास यहाँ लिखा जाएगा। डिंपल के बाद अखिलेश जी भी पहली बार चुनाव हारेंगे। पिछली बार 2019 में कन्नौज सीट से सुब्रत पाठक ने अखिलेश की पत्नी डिंपल को हराया था। हार का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। ऐसे में माना जा रहा है कि मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर अब कन्नौज सीट पर भी अपने उम्मीदवार
को बदल दिया है। खुद अखिलेश यादव अब चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। समाजवादी पार्टी किस तरह से चेहरे बदल रखी है वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात कन्नौज की ही कर लेते हैं, तो तेज प्रताप यादव को यहां पर टिकट दिया गया था, लेकिन अब उनका टिकट काट दिया गया और खुद अखिलेश यादव यहां चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। इससे इतर अब और आपको बताएंगे, कन्नौज का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि कैसे तेज प्रताप को टिकट दिया गया और खुद अखिलेश उतरे। बात गौतम बुद्ध नगर की कर लेते हैं, तो दो बार प्रत्याशी गौतम बुद्ध नगर में बदले गए हैं। कौन कौन बदला गया? पहले महेंद्र नागर को टिकट दिया गया था, फिर बदल दिया गया, महेंद्र नागर का टिकट काटा गया और उनके स्थान पर अब फिर राहुल आवाना को उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन उसके बाद राहुल आवाना का टिकट भी काट दिया गया। तो ये गौतम बुद्ध नगर की स्थिति जहां दो बार उम्मीदवार बदला गया, महेंद्र नागर को दोबारा प्रत्याशी यहां घोषित कर दिया गया। इससे इतर और दूसरी सीटों का जिक्र करें जहां उत्तर प्रदेश में लगातार समाजवादी पार्टी जो है वो अपने प्रत्याशियों को बदल रही है। इसके पीछे के कारण, इसके पीछे की रणनीति, इसके पीछे की स्ट्रेटजी भी आपको बताएंगे, लेकिन बात अब मुरादाबाद की कर लेते हैं। टिकट को लेकर खींचतान यहां पर भी लगातार देखने को मिलती रही है। मौजूदा सांसद एसटी हसन को पहले टिकट दिया गया, अब रुचि वीरा को उम्मीदवार बनाया गया। इसके अलावा रामपुर का जिक्र कर लीजिए, असमंजस की स्थिति यहां पर भी देखी गई। यहां पर आसिम रजा ने सपा से नामांकन दाखिल कर दिया, मुहिबुल्लाह नदवी को प्रत्याशी घोषित किया गया, तो यहां पर भी स्थिति कैसी थी। मेरठ में दो बार प्रत्याशी बदलना पड़ गया समाजवादी पार्टी को। पहले यहां भानु प्रताप को टिकट दिया गया, कुछ और नेता यहां टिकट की मांग करते रहे। सरधना एमएलए अतुल प्रधान को टिकट दिया गया, फिर उनका टिकट काट दिया गया और फिर बाद में सुनीता वर्मा को यहां पर प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतारा गया। बतायूं जहां दो बार प्रत्याशी बदले गए, तो ये कल्चर है समाजवादी पार्टी का जो लगातार देखने को मिल रहा है। धर्मेंद्र यादव को यहां पर टिकट दिया गया था, लेकिन धर्मेंद्र यादव का टिकट काटा गया, शिवपाल यादव को मैदान में उतारा गया। फिर स्थिति ये हुई, बताया इसे, शिवपाल यादव का भी टिकट कट गया और फिर उसके बाद यहां दूसरे प्रत्याशी के तौर पर आदित्य को चुनाव मैदान में उतारा गया। तो ये आपको कन्नौज में किस तरह की स्थितियां क्या, आप जरा वो बता देते हैं। मुलायम परिवार का गढ़ रहा है, 1999 में मुलायम सिंह यादव को यहां जीत मिली थी, उसके बाद से भी लगातार जो स्थितियां हैं वो यहां पर देखने को मिल रही है। चलिए हम सीधे ग्राउंड पर रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी अजय दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मतलब कुल मिलाकर ये सीट भी एक बार फिर परिवार के खाते में ही गई, पहले तेज प्रताप को टिकट दिया, लेकिन अजय दुबे मुझे ये बताइए, लोकसभा चुनाव में फर्स्ट फेज के चुनाव हो चुके हैं, कल सेकंड फेज का चुनाव होना, लेकिन पार्टी अध्यक्ष की सीट को लेकर भी इतना बड़ा कंफ्यूजन, आप सुब्रत पाठक को टक्कर दे पाएंगे कि नहीं? बड़ा सवाल तो यह पूछा लोगों की तरफ से जा रहा है कि क्या मजबूरी में आ गए अखिलेश यादव क्योंकि कार्यकर्ताओं का दबाव था। देखिए, इस पूरे कन्नौज को लेकर पहले दिन से, जब लोकसभा चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया पहले दिन से शुरू होती है, तो अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे कहां से लड़ेंगे, सुगुगाहट लगातार कन्नौज को लेकर थी। और अखिलेश यादव नवरात्रि से पहले जब जाते हैं कन्नौज, वहां पे कहते हैं कि अच्छे दिन आने दीजिए, नवरात्रि के दिन आने दीजिए, तब अच्छी खुशखबरी देंगे। इन सब बातों को लेकर सुगुगाहट तो थी। जो जिला अध्यक्ष थे उन्होंने रिपब्लिक भारत को यह जानकारी भी दी थी कि अखिलेश यादव ही नामांकन करेंगे, पर जो भी गुड़ा गणित बना हो, रामपुर से पहले तेज प्रताप को लड़ाने की कोशिश थी, रामपुर में बात नहीं बनी, तो कन्नौज में तेज प्रताप लड़ने के लिए आए, लेकिन पारिवारिक गुड़ागड़ी जो भी रहा, और इसके अलावा कार्यकर्ताओं का दबाव तो निश्चित तौर पर कन्नौज में था ही। और ये बताता है कि कैसी अनिर्णयता की स्थिति, ये कैसा निर्णय लेने में समाजवादी पार्टी बैकफुट पर दिखाई दे रही है, अखिलेश यादव बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं, 8 से ज्यादा सीटों पर उन्होंने